हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टेड सेशन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो नाउ इन दिस सेशन वी आर डिस्कस अबाउट टू टॉपिक्स, द मेंडल फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड मेंडल सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो हम लोग मेंडल्स के तीन जो लॉ है उसमें से हम लोग दो लॉज हम लोग स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज अ मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिट्री, लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटरी में फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो इन मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटरी देयर आर थ्री लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, हम लोग आज पहले बार फर्स्ट लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो नाउ द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल. दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स, आइदर प्लांट्स और एनिमल. बट नाउ दिस लॉ, अभी इस लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस? व्हेन द पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, व्हेन दे आर ब्रॉट टूगेदर, the character which is appear in F1 generation is always dominant, and the character which is not appear is always recessive. तो देखो, मैंने एकदम simple language में बताया law of dominance, when pair of contrasting characters या traits बोलते हैं उसको, when pairs of contrasting traits, traits means characters, okay, या pairs of contrasting alleles बोला तो भी चले, alleles means alternative form of genes. So when pairs of contrasting characters, when they are brought together, in F1 generation, the character which is appear in this generation is always dominant, and character which is not appear is always recessive. जो character hidden रहता है उसको बोलते हैं recessive, जो character express होता है उसको बोलते हैं dominance character. तो Mendel's का कहना क्या था, जब हम लोग कोई भी दो alternative form जो genes है, traits है, characters है, इसको हम लोग जब क्रॉस करते हैं, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर आता है इज़ ऑलवेज डोमिनेंट. F1 जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर आता है इज़ ऑलवेज डोमिनेंट. जो कैरेक्टर अपीयर होता है वो कैसा रहता है, डोमिनेंट. वो कैरेक्टर जो हिडन रहता है, जो दिखता नहीं है, इट्स कॉल्ड एज अ रिसेसिव. फॉर एग्जाम्पल, मेंडल्स ने क्या किया था, मेंडल्स क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर ड्रॉप प्लांट. आप लोग नीचे एग्जाम्पल देख सकते हो. सो मेंडल से क्रॉस किया था फिनोटाइप प्योर टॉल प्लांट्स एंड प्योर ड्रॉप प्लांट. सो दीज आर द टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. तो मेंडल से क्या बताया था, वेन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन से हैं, प्योर टॉल एंड प्योर ड्रॉप, दोनों हाइट ऑफ द प्लांट है, एक टॉल हाइट है, एक ड्रॉप है. सो वेन दे आर ब्रॉट टूगेदर, ब्रॉट मीन्स उनका दोनों का क्रॉसिंग किया, प्योर टॉल का और प्योर ड्रॉफ का, मीन्स एक प्लांट मेल कंसिडर किया, एक को फीमेल कंसिडर किया और उनमें क्रॉसिंग किया. सो इन F1 जनरेशन में जो प्लांट अपीयर हुआ इज अ टॉल हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल. सो नाउ फ्रॉम दिस एग्जाम्पल मेंडल सजेस्टेड अ लॉ ऑफ डोमिनेंस. मेंडल ने क्या सजेस्ट किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस. मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे और उनको वही रिजल्ट पाया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही अपीयर होता है, मीन्स कैरेक्टर जो अपीयर हो रहा है वो डोमिनेंट है, और कैरेक्टर जो अपीयर नहीं हो रहा है, छुप रहा है, हिडन हो रहा है, इट्स कॉल्ड एज अ रिसेसिव. तो मेंडल ने हर टाइम जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे उसमें से एक एक ट्रेड्स को उन्होंने, एक एक पेयर्स को उन्होंने लिया, ओके, एक एक ट्रेड्स को जब उन्होंने देखा कि कैरेक्टर F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट है दोनों में से वही आ रहा है, और जो कैरेक्टर दूसरा नहीं आ रहा है वो रिसेसिव, उनको उन्होंने कहा रिसेसिव कैरेक्टर. सो दिस आर द लॉ ऑफ डोमिनेंट. वापस लॉ ऑफ डोमिनेंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. व्हेन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर, व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 जनरेशन द कैरेक्टर विच इज अपीयर इज ऑलवेज डोमिनेंट. यहाँ पे प्योर टॉल डोमिनेंट ओवर द ड्रॉफ, क्योंकि ड्रॉफनेस कैरेक्टर आ नहीं रहा, और हाइब्रिड जो F1 जनरेशन में सब कैसे हाइब्रिड टॉल. सो दीज आर द लॉ ऑफ डोमिनेंट, एंड दिस लॉ, फर्स्ट लॉ, इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल. ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, मगर 19वीं सेंचुरी में बहुत साइंटिस्ट ने या बहुत सारे अलग अलग पी प्लान छोड़ के अलग अलग इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने पाया कि F1 जनरेशन में कुछ अलग ही रिजल्ट आ रहे हैं.
इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया, बाद में को डोमिनेंस दिया, मेंडल्स के बाद की जेनेटिक्स है वो, बट नाउ दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेबल, बट फॉर द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल. मेंडल एक्सपेरिमेंट के लिए, पी प्लांट के लिए ये एप्लीकेबल था और मेंडल्स ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था. ओके, तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस. वंस अगेन आई विल रिपीट, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? इट इज़ द फर्स्ट लॉ, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटरी लॉ. So according to this law, when pair of contrasting characters, when they are brought together, when they are crossed together in a first generation, the character which appear is always dominant character, and character which is not appear is called as a recessive character. So these are the law of dominance. Now the second law, law of segregation or law of purity. तो ये जो second law है, it is a law of segregation. Now these are the second law. सो सेकंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हेन द पेयर्स ऑफ अलील्स आर ब्रॉट टुगेदर. अलील्स मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स. अलील्स मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स. व्हेन द पेयर्स ऑफ अलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन हाइब्रिड, व्हेन द पेयर्स ऑफ अलील्स दे आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, कंटेमिनेटिंग और अल्टरिंग ईच अदर. At the time of gamete formation, they get segregated. तो एकदम simple law है. What is the law of segregation? These are the second law. When pairs of allele, pairs of allele means alleles में alternative form genes. Tall के opposite dwarf है, yellow के opposite green है, round के opposite wrinkle है. These are the seven traits. उसमें जो allele से alternative form है. Tall के opposite कौन सा है? Dwarf. ये alternative form है. Round के opposite कौन सा है? Wrinkle. Inflated, constricted, axial. Terminal. These are the alternative form. So when the pairs of alleles, these are the alleles. When the pairs of alleles, when they are brought together, उनको एक साथ किया. In F1 hybrid, उनको crossing किया. और F1 hybrid में क्या है? In F1 hybrid, they remain together without mixing, contaminating or altering. हम लोगों ने law of dominance में example देखा. Tall, pure tall cross with the pure dwarf. तो F1 generation में क्या हुआ? Hybrid tall आया. मगर hybrid tall में जो gametes है, वो तो प्योर टॉल के भी है और प्योर ड्रॉफ की भी है. बराबर है? मीन्स उन्होंने क्या बोला? व्हेन द पेयर्स ऑफ अलील्स आर ब्रॉट टुगेदर, ब्रॉट किया, एक साथ किया एफ1 जनरेशन में. ओके, द हाइब्रिड्स दे रिमेन टुगेदर. हाइब्रिड्स कैसे हैं? टॉलनेस भी और ड्रॉफनेस भी एक साथ है हाइब्रिड में. एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है. दे आर रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, कंटेमिनेटिंग और अल्टरिंग एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन मीन्स इन एफ2 जनरेशन they get separated or segregated. They get segregated. It means pure tall cross kiya pure dwarf ke saath. In F1 generation kya aaya? Hybrid tall. To hybrid tall ko jab self pollination kiya, hybrid tall F1 generation ko self pollinating kiya, to F2 generation mein kya result aaya? 3:1. 3 tall aaya, 1 dwarf aaya. To dwarfness character kyu aaya? Because इन हाइब्रिड दे रिमेन टूगेदर. टॉलनेस और ड्रॉफनेस एक साथ थे. एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे गेट सेग्रेट सेग्रीगेट और सेपरेटेड. मीन्स दे रिमेन टूगेदर. टॉलनेस और ड्रॉफनेस रिमेन टूगेदर विदाउट मिक्सिंग, कंटेमिनेटिंग और अल्टरिंग. मीन्स टॉलनेस और ड्रॉफनेस एक साथ थे, मगर वो मिक्सिंग भी नहीं कर रहे थे, कंटेमिनेटिंग भी कर नहीं रहे थे और अल्टरिंग भी नहीं कर रहे थे. इसकी वजह से क्या हुआ? इन एफ टू जनरेशन ड्रॉफनेस इज अगेन रीअपीयर. ओके, दिस आर कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आपको एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. नाउ दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. एक्सेप्टेड नहीं बोल सकते उसको, एप्लीकेबल. एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. एग्जाम्पल मोनो हाइब्रिड क्रॉस. एग्जाम्पल मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो आपको मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जाम्पल बताता हूँ. सो नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द टू एलील्स फ्रॉम द ट्रेड सेपरेटेड व्हेन द गैमेट फॉर्म्स. सिंपल क्या लिखा है? व्हेन टू एलील्स फ्रॉम अ ट्रेड्स सेपरेटेड व्हेन अ गैमेट फॉर्म्स. यहाँ पे देखो, ट्रू ब्रीड ग्रीन लिया. पॉड शेप कैसा है? पॉड कलर कौन सा है? ग्रीन. ट्रू ब्रीड येलो लिया, उनको दोनों को क्रॉस किया. क्रॉस करने के बाद यहाँ पे देखो, कैपिटल जी स्मॉल जी ग्रीन आया, कैपिटल जी स्मॉल जी ग्रीन आया, कैपिटल जी स्मॉल जी ग्रीन आया. ओके, ये एग्जांपल रॉन्ग दिया है. ये देखो यहाँ पे, और दोनों को क्रॉस किया. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, प्योर ब्रीडिंग येलो लाइन है, सीड्स कैसे येलो है. दूसरा प्योर ब्रीडिंग ग्रीन लाइन है.
दोनों को क्रॉस किया, F1 जनरेशन में क्या सब येलो आया, सब कैसे है येलो। जब ये F1 जनरेशन को वापस सेल्फ क्रॉस किया, उनमें क्रॉसिंग की सेल्फ पोलिनेशन, पहले कौन से लिया था हम लोगों ने, प्योर येलो सीड, प्योर ग्रीन सीड, ओके प्योर येलो ग्रीन सीड लिया, उसको क्रॉस किया F1 जनरेशन में, सब कैसा है प्योर येलो, सब येलो आए। और F1 जनरेशन को सेल्फ पोलिनेशन किया तो F2 जनरेशन में क्या है, 3 येलो 1 ग्रीन, तो ये ग्रीननेस क्यों आया, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या एक्सप्लेन करता है, व्हेन पेयर्स ऑफ एलील्स, पेयर्स ऑफ एलील्स मीन्स येलो और ग्रीन मान लो पहले F1 जनरेशन पेरेंट्स, व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर मीन्स F1 जनरेशन, दे रिमेन टुगेदर मीन्स यहाँ पे येलो और ग्रीन दोनों एक साथ है F1 जनरेशन में, गैमिट्स है, दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग कंटेमिनेटिंग और अल्टरिंग एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन मीन F2 जनरेशन दे गेट सेग्रीगेट मीन्स यहाँ पे येलो और ग्रीन एक साथ थे F1 जनरेशन में, जो डोमिनेंट कैरेक्टर अपेयर हुआ था रिसेसिव सप्रेस हुआ था, मगर जो रिसेसिव सप्रेस हुआ डोमिनेंट अपेयर हुआ था वो दोनों मिक्सिंग नहीं हुए थे, दे डू नॉट मिक्सिंग अल्टरिंग और कंटेमिनेटिंग, बट एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन इन F2 जनरेशन द ग्रीन इज अगेन री अपेयर, सो दे गेट सेपरेटेड मीन्स येलो भी और ग्रीन भी कैसे हुआ सेग्रीगेट सेपरेटेड हुआ, सो दीज आर द मेंडल्स सेकंड लॉ। ओके तो मेंडल्स लॉ में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल दिया है दिस आर द, यहाँ पे येलो चाहिए था, यहाँ पे येलो नहीं दिया है, थोड़ा एग्जांपल गलत है। सो नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके द व्हेन द पेयर्स ऑफ एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन हाइब्रिड दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग कंटेमिनेटिंग और अल्टरिंग एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे गेट सेपरेटेड और सेग्रीगेट, so this law is universally applicable, example monohybrid cross, so now in the monohybrid cross when yellow pure yellow seed cross with the pure green seed in F1 generation all yellow are appear, but now for F2 generation the F1 generation when they are self cross in F2 generation the green is again reappear with the yellow, so these are the law of segregation, so here pairs of alleles when they are brought together in hybrid they do not mixing contaminating or altering at the time of gamete formation they get separated means the green is again reappear because of law of segregation, so these are the Mendel's second law, or Mendel's second law ka example kaun sa hai monohybrid cross jiska ratio aata hai 3:1, monohybrid ratio ka ratio, monohybrid ratio kaun sa hai 3:1, तीन कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर आते हैं वन रिसेसिव, तो वन जो रिसेसिव आता है क्यों आता है बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये हुआ आज का सेशन, एकदम सिंपल सेशन था ओके और छोटा था, सो नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टेक अनदर इम्पॉर्टेंट लॉ एंड देयर एग्जांपल, ओके आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके बाय टेक केयर।